किसान मजदूर भाई जो बॉर्डर पे आ गए, पता लगा कि भाई ये तो उनके ऊपर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा, गोलियां चलाई, लाठी चार्ज किया। मैंने कसम खा लिया हूँ कि मरते आखिरी दम तक जो है मैं किसान के साथ रहूंगा। जब एक चाय वाले को 50,000 दुकान गरीब मजदूरों को उजाड़ दिया, तो इससे बड़ा पाप मैं देश में कुछ नहीं। लेकिन सारा दुनिया पूछती है, मजदूर पूछता है कि आप आना जी का समर्थन किए, आज आना जी बोल नहीं रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरे को दुख होता है। जब सरकार बनी है तब से ये बोल रही है कि अच्छे दिन लेके आएंगे, महंगाई कम करेंगे और नौकरियां देंगे, क्या आपको कुछ नहीं मिला? मिला तो है, मिला है कि हमारा 50,000 घर बुलडोजर से मोदी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने तोड़ दिया है, वो मिला है मेरे को। रेडी वाले पे अत्याचार पुलिस वाले जब करने लगे, हमारे बहन बेटियों के साथ गलत काम होने लगा, 8 दिन अनशन किए थे तो मेरे को जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने मारी और बोले कि ये तिरंगा और तू दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जहर का इंजेक्शन लगा दूंगा। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों आप जी को पता कि इस किसानी अंदोलन च हर कोई अपने तरीके ना जो प्रोटेस्ट आ वह कर रहा, कोई साइकिलों से कोई पैदल चल के या कोई रोस जाहर कर रहा। साढ़े ना एक बिहार तो बजुर्ग है जोड़े मौजूद ने, जोड़े कि साइकिल पर ही अपना जो प्रोटेस्ट आ वह कर रहे हैं। एक पासे तुसी देखो झंडे लगे ने, एक पासे कुछ उन्होंने अखबार दी फोटो कट के लाइया, इन्ह बारे भी जाणांगे कि क्यों इतने इन्होंने फोटो जड़िया लाइया हुई। एक पासे भारतीय किसान यूनियन का झंडा तो दूजे पासे तिरंगे का झंडा, नाल तो समान भी नाल ही रखते ने। तुसी देखो कि लगातार जड़ा ये अपना एक साइकिल पर यात्रा कर रहे ने, ते साडे नाल मौजूद है बुजुर्ग, गलबात करांगे इन्हां नाल। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सत्यदेव मां जी। जी क्या क्यों सोचा कि मैंने साइकिल पर ही जो आंदोलन है वो करना है? मैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चले थे शुरू में, तो जब हमारे किसान मजदूर भाई जो बॉर्डर पे आ गए, तो मेरे को पता लगा कि भाई ये तो उनके ऊपर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा, गोलियां चलाई, लाठी चार्ज किया। मैं मजदूर आदमी हूँ, एगो चाय बेचने वाला आदमी हूँ, तो मैंने प्रण किए कि मरना जीना मेरा किसानों के साथ रहेगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं भी चाय वाला हूँ, आप भी चाय वाले हो, तो चाय वाले के बात तो चाय वाले को मानना ही चाहिए। मोदी जी, ये किसान जो आपका नेता आपको आंख में जो धूल झोंक रहे हैं वो ठीक नहीं है, और जो किसानों के मांग है वो जायज है, और माझी भी अपना जो है मांग जायज रखा है। आपके बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिया है। अब जब एक चाय वाले को 50,000 दुकान गरीब मजदूरों को उजाड़ दिया, तो इससे बड़ा पाप मैं देश में कुछ नहीं समझता। आप चाय बेचते थे तो आपने बोला कि मोदी भी चाय वाले हैं, हम भी चाय वाले हैं, सपोर्ट किया इनके लिए, जो वोट मांगे थे जो है ना चाय के रेड़ी के ऊपर मैंने मोदी जी का बॉर्डर लगाए थे, और जो है लोग कहता था, तो मैं बोला नहीं चाय वाला प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, तो मेरे पास बहुत भीड़ होता था कि चलो मोदी जी का मोदी चाय वाला ऐसे मेरे को अन्ना हजारे के नाम से सब जानते हैं। अच्छा, आपको अन्ना हजारे नाम के सब जानते हैं, तो ये आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है अन्ना हजारे को भगवान का दर्जा दिया, कैसे कह सकते हो कि अन्ना हजारे भगवान थे आपके लिए? ये लेकिन ना, हाँ प्रश्न मैं तो करूँगा ही। मुझे 3 महीने आए हो गए आंदोलन में, और अन्ना जी कभी कभी बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो और यहाँ आप लोग जैसे सब लोग जब अन्ना जी के बारे में पूछते हैं तो मुझे शर्म आता है कि मैंने तो भगवान का दर्जा मैंने नहीं दिए, पेपर वाले ने छापे, और उसको मैं लेकर जगह जगह घूमता हूँ, तो वहाँ अन्ना जी का प्रश्न आ जाता है। मैं कहूँगा कि अन्ना जी अगर इस माझी के आंदोलन में आप नहीं आए, तो मैं अपना साइकिल से आपका बोर्ड शोर्ड सारा उतार कर मैं फेंक दूंगा,
और आपके नाम पे भी मैं कुछ जो अंदर से मेरा भावना जो है भगवान की तरह पहले से आज तक माना हुआ है, लेकिन सारा दुनिया पूछती है, मजदूर पूछता है कि आप आना जी के समर्थन किए, आज आना जी बोल नहीं रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरे को दुख होता है। आना जी को आना चाहिए, किसी बॉर्डर पे आए हैं, कम से कम किसानों को दुख सुनना चाहिए। मेरे जैसे मजदूर आना जी के लिए मैं अपने बाल बच्चा माँ बहन सब खो दिए, और आना जी ही ये टोपी उनके ही आंदोलन में पहने थे, तो मैं हाथ जोड़ के विनती है कि आना जी मेरे जैसे आदमी पे, क्योंकि मेरा दुकान था जब आपका जो आंदोलन हुआ तो मैं चाय का दुकान था, मेरा परिवार अच्छी तरह पाल रहे थे, और जब से मैं आपसे जुड़े तब से उसके बाद बीजेपी वालों ने मेरा 50,000 चाय वाले को, सब्जी वाले को, रेड़ी वाले को, सबको उजाड़ कर फेंक दिया। अगर इस आंदोलन में आप चुप बैठेंगे तो अगला बारी जो आपके भी मैं बहिष्कार करूँगा। जैसे आपने बोला कि चाप चपंजा 50,000 रेड़ी वालों को उजाड़ कर रख दिया, तो अब आपका परिवार कैसे चलता है? मेरा जो परिवार चलता है, मेरे को तो अब कोई काम होता नहीं है। मैं जनसंख्या लेकर चले थे, उसमें 2-4 रुपये लोग फार्म है मेरे पास साइन करवाते हैं तो 2-4-10 रुपये सहयोग देते हैं, उसी सहयोग से काम चलता है, मैं किसी से मांगता नहीं। मैं आंदोलन में आया हूँ, मेरे बच्चों को इतना परेशानियाँ है, लेकिन मेरा नाम सत्यदेव मांझी है और मैंने कसम खा लिया हूँ कि मरते आखिरी दम तक जो है मैं किसान के साथ रहूँगा, और जब तक मोदी जी हमारा ये किसानों को मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक तो मैं जाने वाला नहीं। हमारा जो 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 हमारा पत्नी है वो अच्छा वाला बच्चों को पढ़ाती थी, घर में सेवा करती थी, आज वो कोठियों में आना हजारे जी ऐसा टोपी और तिरंगा केजरीवाल जी दिए कि मेरा बीवी रात को झाड़ू पोछा बर्तन कर कोठियों से 10 बजे आती है और 10 बजे के बाद वो बच्चों के लिए खाना बनाती है, हमारा परिस्थिति है। और मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है, जब से दुकान उजड़ा मेरी माँ मर गया, भाई मर गया, गुंगा भाई मर गया, भाभी मर गई, और मेरे पास जमीन भी नहीं है, मेरे 3 बेटे हैं और जो है, लेकिन मैं जहर खा के माझी मरने वाला नहीं है, आत्महत्या करने वाला नहीं है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे जो आर पार का होगा, जो आने वाली हमारे नस्लें होंगी, हमारे पीढ़ियां होगी, वो कभी आंदोलन नहीं करेंगे। तो जब देखा कि जब सरकार बनी है तब से ये बोल रही है कि अच्छे दिन लेके आएंगे, महंगाई कम करेंगे और नौकरियां देंगे, क्या आपको कुछ नहीं मिला? मिला क्या? सपोर्ट की ना, तो आपने बोला कि हम अपनी रेडी पे बोर्ड लगा के रखते थे जो मोदी जी है उनका। हाँ मिला तो है, मिला है कि हमारा 50,000 घर गुलडोजर से मोदी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने तोड़ दिया है, वो मिला है मेरे को। मेरे जैसे आदमी का दुकान तोड़ दिया, मैं 50 विकलांगों को खाना खिला। आपकी दुकान जो तोड़ के अंदर गुरुग्राम के अंदर थी, दिल्ली में थी, गुरुग्राम गुड़गांव हरियाणा में, जो मेरे पास सबूत है, 6,000 आदमी का सिग्नेचर है, मैं क्या बोलूं आपको। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि आना जी एक बार मेरा अगर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरी बात आप तक पहुंचती है तो आप आंदोलन में आइए और किसान के साथ आप, जब मैं मानूंगा कि मैंने आपको भगवान के दर्जा दिए, आप अगर किसान मजदूरों को साथ नहीं होंगे तो मेरा आत्मा आपको भी शराब देगा। ये आपने यहाँ पे भी लिखे रेडी वाले बोले बंद करें। जी जी जी, ये मैंने जो है रेडी वाले पे अत्याचार पुलिस वाले जब करने लगे, हमारा बहन बेटियों के साथ गलत काम होने लगा, तो मैं नगर निगम सामने, नगर निगम गुरुग्राम के सामने मैंने धरना प्रदर्शन किए थे, 8 दिन अनशन किए थे, तो मेरे को जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ जो मैडम ने मेरे को, डॉक्टर ने मारी और बोली कि ये तिरंगा और तू दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जहर का इंजेक्शन लगा दूंगा। डॉक्टर ने ऐसे बोला था? जी मैडम। कितने संघर्ष किए आपने अब तक? संघर्ष मैं किया हूँ और करता रहूँगा, मेरे पास कुछ है,
मैं समझे नहीं क्या करूं। अब तक मतलब कि कितने संघर्ष आपने अब तक किए हैं आप इस किसानी आंदोलन में, उससे पहले क्या क्या किया? उसके पहले मैं बोला जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मैं 20,000 किलोमीटर साइकिल चला रखा हूँ, और भी अब मेरा मूड जो है सब लोगों ने आपको सम्मान किया। यहाँ पे भी 1500 किलोमीटर जब चले थे आपको गुरुग्राम पहुँचने के पर हाँ, वो जो भाई वो हमारे जो है एगो मित्र हैं जो अनवर हुसैन, उन्होंने सम्मानित भी किया और मेरे को सहयोग भी दिया। बाकी बीजेपी का चाहे हमारे मनोज तिवारी के पास भी गए थे रिंकिया के पापा के यहाँ, 3 बार मैंने किराया लेके गए, लेकिन ये बंदा तो आपने ऐसे भी लिखा कि देश हित के लिए साइकिल यात्रा जड़ी आपने शुरू किया, आपको क्या लगता है कि देश में बहुत अच्छा चल रहा सब कुछ? जैसे ऐसा भ्रष्टाचारी अगर कुर्सी पर रहेंगे तो कैसे ऐसा चलेगा बताइए। मैं जहाँ देखता हूँ भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहिए कि जो आप देख रहे हो कि किसान आंदोलन पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको भी लाठियां बरसाती है, उनको भी उठाकर गिरफ्तार कर देती है। ये सब मैं देखता हूँ, घूमता हूँ, पुलिस वाला मुझे भी रोकता है आने से, साइकिल को भी पुलिस वाले रुक जाते हैं। जो आंदोलन में मजदूर लोग शामिल होना आते हैं तो मोदी सरकार, दिल्ली सरकार जो भी हो, पुलिस वाले को सकता है, सब पुलिस वाले नहीं कहते हैं, सब पुलिस वाले में एक दो हैं जो मेरे को रुकते हैं, बाकी पुलिस वाले मेरे को नहीं कहते, हम झूठ नहीं बोलूँगा। बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, माझी जो कहता है वही करेगा, इसके लिए मैंने 5 कुर्बानियाँ दे दिया हूँ। मेरा पति थी घर का क्या है, मेरा दुकान उजड़ गया, मेरा बेटा 7वां में पढ़ रहा था, उसको पढ़ाई छूट गया, 2 लड़कों को है पढ़ा रहा हूँ, मेरा पत्नी भी कहती है कि कहीं भी किसी का रिश्वत नहीं लेना है, आपको कितनों रुपया मिल जाए लेकिन मेरे घर में झूठ का पैसा और रिश्वत का पैसे मत ले आना, मैं तुम्हें कोठी में काम कर कर बच्चों को पढ़ाऊंगी और तुम्हें भी मैं सेवा करूंगी। तो मैं अपने पत्नी के बात पे ही चल कर मैं किसान आंदोलन में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो दर्शकों तुसी देख सकते हो कि किस तरह जड़ा इस किसानी आंदोलन दे विच्चे बुजुर्ग पहुंचे ने, ता ए साइकिल दे उत्ते इन्होंने 20,000 हुण तक किलोमीटर दी दूरी तय करके ये जड़े किसानी आंदोलन दे विच पहुंचे हुए ने, यात्रा जड़ी कीती हुई या अगे कहां जाना? मैं कहीं जाने वाला नहीं है, मेरे पास 50,000 आदमी का सिग्नेचर है, जिधर जिधर मैं जाता हूँ सिग्नेचर कराता हूँ। 50,000 करवाते हो आप जी? वो फार्म मेरे पास है जी। जी दिखाओ आप कौन से फार्म पे साइन करवाते हो, ये लिखा उस पे। वो फार्म तो मैं अब रखना छोड़ दिए जी। और मेरे पास दूसरा चीज मैं लाया हूँ जी, ये है हमारे पास, ये सब जो हमारे रेड़ी वाले जो थे, पकड़िए इसको, जो हमारे मजदूर भाई बहन जो काम करते थे। सो दर्शकों असीं दसना चाहुंदे हैगे कि इस किसानी आंदोलन च कल्ले किसान ही नहीं, मजदूर वर्ग ही नहीं, ओ भी गरीब तबका आया जेड़ा कि इस किसानी आंदोलन दे विच ओ सरकार बारे सब कुछ जानदा होया, इस किस दुखी सरकार तो इत्थे पहुंचे होए ने। सो तुसीं देख सकदे हो, देखिए सारा जो है ये सब हमारे मजदूरों का मैंने सिग्नेचर करा के इनको जोड़ते थे, आ इन्होंने क्या किए, इन सब आदमियों को रेड़ी पटरी तोड़ फाड़ के और इन्होंने वहाँ 1,05,300 रुपये ले के, वो भी जब नोटबंदी था जब की बात है, और ले के और इन्होंने उनको जगह दे दिया और हमारे जैसों को वहाँ से भगा दिया गया। पूरा है ये, पूरा है, और मेरे पास बोल रहा हूँ ये मेरा रोजगार गारंटी है। देखिए 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 ये देख लो बेटे, ये कॉपी पूरा भरा हुआ है, ये हमारा रोजगार गारंटी है, ये देखिए क्या लिखा है जरा। और जो है मैं यहाँ भी मैंने माटी काटे थे, और जो है ये हमारे पत्नी है, और जो है मोदी मैंने इसमें 3 महीने काम किया हूँ, जो सरकार का है कि 90 दिन के बाद जो पक्का हो जाता है आदमी, 3 महीने के बाद भी मेरे को बैंक से पैसा मिला और इसमें हाजिरी नहीं भरा गया। मैं अपने मुखिया के पास गए तो वो बोले कि भैया भर देंगे नु, क्यों टेंशन में हो। मैं बीडीओ के पास गए तो वो बोला भर देंगे नु, क्यों टेंशन में हो। तो हमारे ऐसे कम से कम बिहार के अंदर 1.5 लाख बेरोजगार आदमी जो रोजगार गारंटी में पहले काम करते थे, उनको ऐसे ही
ये कोरा कागज मिला है और मोदी जी नोट बरसा रहे हैं कि जो कभी जो उसमें रोजगार गारंटी में काम नहीं किया उसको पैसे दे दिए, उसका नकली कागज बना दिए और मेरे जैसे मजदूर आदमी गए हवा में। ये है, इसमें एक रुपया जो मेरे के पास, मैंने पैसा उठाया हूँ तो अपने बैंक से उठाया हूँ, मेरे पास कागज है बैंक का, लेकिन इसमें इन्होंने हाजिरी नहीं भरे। अब इससे भी बड़ा ये मनरेगा का मोदी जी कोई घोटाला दिखाई देगा आपको? जो हमारे 1 लाख से ऊपर मनरेगा में है, किसी का हाथ कट गया है, हमारे तलकुर छहने वाले भाइयों को भी है कि 400 रुपये बिहार में पेंशन मिलता है, तलकुर पर से गिर जाता है, उसका डांट टूट जाता है, वो उनका भी 8,000 बिहार का पासी भाइयों का सिग्नेचर जो मेरे पास है। और मोदी सरकार कहती है कि सबके साथ सबके विकास, आपने तो मोदी जी मेरे जैसे गरीब को नहीं छोड़े तो क्या किसान को छोड़े होंगे? मैं कैसे विश्वास कर जाऊं? लेकिन मोदी जी मैं कह रहा हूं, अभी भी मौका है कि मैं इसलिए हूं कि टिकैत साहब ने बोले थे कि हमारे संघर्ष कमेटी का जो प्रधान जी आदेश करेंगे तो मैं भी आया हूं कि जो हमारे संघर्ष कमेटी का प्रधान जी आदेश देंगे उसको मैं पालन करूंगा और मैं जो है एक एक हाथ आपसे हम मूड बना लिए हैं करने के लिए, जब मर्जी आप कहो हम तैयार हैं। अब तो ना कोई मीटिंग रखेंगे ना कोई सीटिंग रखेंगे, अब तो आर पार की ही लड़ाई होगी। अगर मेरे देश के मजदूर भाइयों, अगर ये लड़ाई लड़नी है किसान भाइयों, तो एकजुट आओ कि देश के प्रधानमंत्री, आप एको दिन संसद में तो बैठते नहीं हो, कभी हवाई में झूमते हो, और बंगाल में जितना पैसा खर्चा हो रहा है मोदी जी आप बताओ ये पैसे कहाँ से ला रहे हो? हम मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा भी हक बनता है पूछने के लिए। आपका एक औरत को हराने के लिए आपने अपने पूरे नेताओं को बंगाल में बुला लिया, ये खर्चा कौन देता है? कौन सा देश चलाते हो? मैं मांगता हूँ हिसाब। अब आप जो है किसान को रोटी का हिसाब लेते हो तो मेरे को इलेक्शन का खर्चा होना चाहिए। और मजदूर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो मजदूर हमारे से माझी से जुड़ेगा, माझी उनको जमीन हीन, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसको खाने का दिक्कत है, वो सारे पूर्ति माझी करेगा और 50-50 गज का प्लाट काट के देगा, प्लस उसमें 2 रूम और लेटरिन बाथरूम कमरा बना कर मैं दूंगा, ये मेरा वादा है। आप कहां से दोगे? हम देंगे न, मेरे को मिला है। मैं कहूँ आपके सामने बता दूँ कहाँ से दूंगा, मेरे को तो ये मारिए देंगे, लेकिन मैं मजदूर के सामने जो वादा किया हूँ उसको मैं आखिरी सांस तक, और मेरे से जुड़ने का सिर्फ 5 रुपये खर्चा है, मैं वो भी डाकिया बन के आपके घर आऊँगा, आपके नाम रजिस्ट्रेशन करूँगा, मैं काम करूँगा तो मेरा मजदूरी देना, नहीं करूँगा देना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सो दर्शकों, तुसी देख सकते हो कि लगातार इस किसानी अंदोलन च हर कोई अपने तरीके ना प्रोटेस्ट करता है, तो अज तुसी देखिया मांझी जो कह रहा कि मैं इस किसानी अंदोलन दे विच खड़ा हाँ तो मेरा भी हक बनता, मैं भी सरकार नूं सवाल कर सकता। सो बड़े ही इदा के जेडे बजुर्ग ते गरीब तबके के जेडे लोग इत्थे बैठे हुए ने तो अपने हक मंगण लई इत्थे जेड़ा बेनती कर रहे ने। सो बने रहो पंजाब न्यूज़ दे नाल, धन्यवाद।